हेलो फ्रेंड्स, यू हैव मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। इफ यू आर फर्स्ट टाइम वाचिंग देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलईडी बल्ब। आज हर घर में एलईडी बल्ब का यूज होता है, भले ही इसका कॉस्ट जो है वो इनकैंडिसेंट लैंप के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। आपको इनकैंडिसेंट लैंप लगभग 10 से 15 रुपया में मार्केट में मिल जाता है, बट आपका एलईडी बल्ब लगभग 70 से 90 रुपया के बीच में मिलता है। ठीक है, ये तो मेरा सपना है एलईडी प्लांट बैठाने का, देखते हैं कब फुलफिल्ड होता है। तो चलिए एलईडी बल्ब के बारे में, हम एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये सब हम लोग जनरली आप लगभग थर्ड सेमेस्टर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके होंगे एलईडी के बारे में, बट यहां हम आपको डिस्कस करेंगे एलईडी बल्ब के बारे में। तो इसका किट देखिए, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखिए क्या होता है एलईडी, और वहीं से आपको वर्किंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे दो पॉइंट होता है। ठीक, एक पॉइंट पे रजिस्टर लगा होता है ऐसे, और एक पॉइंट डायरेक्ट। ये 240 या 220, मान लीजिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, ये आपका कोई रजिस्टर है। आप भाई रजिस्टर क्यों लगाते हैं? तो रजिस्टर का काम क्या है? करंट को लिमिट करना। रजिस्टर इसलिए लगाते हैं ताकि ये करंट को क्या करे? लिमिट करे। ठीक, ये करंट को लिमिट करता है ताकि सीएफएल जल्द फ्यूज ना हो जाए, सॉरी एलईडी जल्दी फ्यूज ना हो जाए, नहीं तो ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था। अब यहां पे 240 वोल्ट आया। अब मेरा मेन टारगेट होता है इसको स्टेप डाउन करना, तो इसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर वो क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, किसमें? 12 वोल्ट के। अब ये 12 वोल्ट है एसी, अभी भी एसी ही है, 240 को 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया। अब ये 12 वोल्ट एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर आप लोग बनाना जानते होइएगा, वही ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है, उसी का मॉड्यूल हम लोग यूज कर लेते हैं। ये क्या काम करता है? 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट। ये अभी आपका पल्सेटिंग डीसी है। अब यहां पे हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं, कैसा कैपेसिटर? इलेक्ट्रोलाइटिक। एक कैपेसिटर यूज करते हैं इस टाइप का होगा, दो पिन, जो ब्लैक साइड का व्हाइट साइड का पिन होगा वो आपका निगेटिव होता है, और जो बच गया वो आपका पॉजिटिव होगा। ये आपको प्योर 12 वोल्ट डीसी देता है। अब यहां से एलईडी का प्लेट होता है जिसमें दो पॉइंट होता है, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाले को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस वाले को माइनस। ठीक है, ये 3 वाट, 6 वाट, 9 वाट, 12 वाट डिफरेंट टाइप्स में आपको मिल जाएंगे। इसमें एक जो एलईडी होता है, ठीक है, उसका रेटिंग लगभग 3 वाट होता है, सॉरी वोल्टेज के रूप में बोलते हैं, ये लगभग 3 वाट। एक मिनट ध्यान रखिए, सॉरी एक बात आपको मैंने गलत बताया, यहाँ पे 12 वाट नहीं, लगभग 90 से 100 वाट रखता है, और ये भी लगभग 90 से 100 वाट, और ये भी यहां पे आपको 90 से 100 वोल्ट रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कितना का, कितना वाट का है उसके अनुसार। ठीक है, वाटेज के अनुसार डिपेंड करता है, ये लगभग 9 वाट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो एक एलईडी लगभग 3 वोल्ट का वोल्टेज लेता है और 0.25 मिली एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार एलईडी बल्ब वर्क करता है।